हाय एवरीवन, आप सभी को हमारे एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है दोस्त। तो दोस्त आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने जिंदगी में मस्त होंगे। तो थैंक यू दोस्त, आज हम इस वीडियो के अंदर में आप लोग को एक ऐसी चीज दिखाने वाले हैं और कुछ बताने वाले हैं सामने सामने, यानी कि रूबरू स्क्रीन शॉट करके, यानी कि वीडियो चला करके आपको दिखाने वाले हैं। तो जैसे मैं क्या है दोस्त, देखिए YouTube प्लेटफॉर्म पर हमारे बहुत सारे जो लोग काम करते हैं वॉच टाइम को पकड़ नहीं पाते हैं कि वॉच टाइम कहां से चेक किया जाता है। तो जैसे मैं वॉच टाइम चेक करने के लिए आपको सामने स्क्रीनशॉट हम आपको लगा करके दिखाते हैं और वीडियो को चला करके दिखाते हैं कि सामने से आप देख सकते हैं कि अभी यहां पे क्या है कि अभी हम YT स्टूडियो को अपना ऑन करते हैं। तो देखते हैं YT स्टूडियो ऑन करके कि YT स्टूडियो में जो अपना वॉच टाइम जो होता है, सब्सक्राइबर कहां देखा जाता है, व्यूज कहां देखा जाता है, पूरा टोटल व्यूज कहाँ देखा जाता है, पूरा ये अपना लाइब्रेरी से कहाँ देखा जाता है, अपना पूरा फुल वॉच टाइम, वो चीज आपको हम बताने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्त, हम देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, अब आपको यहाँ दिखाते हैं और यहाँ देखिए वॉच टाइम लिखा हुआ है और यहाँ व्यू लिखा हुआ है। अब दिखाते हैं इधर में, फिर से हम आगे वॉच टाइम पर और वॉच टाइम आपको हम क्लिक करके दिखाते हैं अंदर में। अब देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको फर्स्ट में, यानी कि सात दिन का जो आपका वॉच टाइम जो है यानी 22.3 आया है। अब दिखाते हैं आपको अगला वॉच टाइम, ये देखिए 28 डे का जो वॉच टाइम है ये आपको हम दिखाते हैं, यानी कि 1.1 यानी कि 1.19 आ गया, यानी कि ये सामने देख लिए। अब 90 दिन का वॉच टाइम आपको दिखा दिए, 3 घंटा 39 मिनट, यानी कि 90 दिन का वॉच टाइम होगा। अब आपको हम दिखाते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या बोलता है कि अपना लेवरी 365 डे दिखाते हैं, 2524 घंटा इधर हो गया। और यहाँ पे देखिए 2023 में कितना आया, और 2023 में यानी कि 383 घंटा वॉच टाइम आया। अब हम 24 में चेक करते हैं, 24 में यानी कि 845 घंटा वॉच टाइम आया। अब आगे पूरा आपको फुल वॉच टाइम दिखाते हैं, लाइब्रेरी जिसको पूरा टोटल दिखाया जाता है, तो 3228 घंटा। इस पर भी चैनल आपका मोनेटाइज नहीं किया जाता है। तो चलते हैं और कुछ आपको दिखाते हैं, अब यहाँ पे पूरा हम डिटेल दिखाने वाले हैं आपको। ये देखिए मेरा चैनल का नाम हुआ रुपेश ब्लॉग 1M, और इधर में दिखाते हैं आपको व्यूज के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ देखिए एक यानी कि व्यूज आया है, यानी कि एक वीडियो पर 5 व्यूज आया है, 2 मिनट यानी कि आपको 16 सेकंड वीडियो चल रहा है। अब यहाँ कॉन्टैक्ट है, ये मेरा पूरा कॉन्टैक्ट दिखाते हैं आपको कि कौन कौन सा भी कॉन्टैक्ट है इस चैनल का। ये देखिए कॉन्टैक्ट है, अब कॉन्टैक्ट के बाद आप हम आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं रियल टाइम देख सकते हैं, यानी कि 175 यानी कि रियल टाइम चल रहा है, 175 के यानी कि 48 घंटा के अंदर में 175 लोग देख रहे हैं, और 60 मिनट के अंदर में यानी कि 3 लोग देख रहे हैं इस चैनल पर। अब चलते हैं आगे आपको कमेंट दिखाते हैं, कमेंट आप यहां पे देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में यहां कमेंट करके देख सकते हैं कि कौन कौन सा लोग हमें कमेंट किए हैं। अब आगे दिखाते हैं यहां पे अर्निंग पर यहां देखिएगा तो 2203 घंटा यानी कि वॉच टाइम आया आपका, और यहां पे 365 दिया, और यहां पे नीचे में देख सकते हैं, नीचे में आपको दिखाते हैं अभी एक बार, और आपको दिखाते हैं यहां पे 3000 घंटा का वॉच टाइम था, और आपको नीचे यानी कि 4000 घंटा वाला वॉच टाइम दिखाते हैं, ये 4000 घंटा का जो वॉच टाइम होता है वो कहाँ पे दिखाया जाता है। तो फिर से हम पीछे बैक में आ गए, अब देखते हैं यहाँ पे फिर से हम कॉन्टैक्ट पर आ गए हैं। अब कॉन्टैक्ट यहाँ पे चेक करते हैं और यहाँ पे आते हैं व्यूज पर। अब टोटल व्यूज यानी कि 7 दिन से हम व्यूज का स्टार्ट करते हैं, 7 दिन का जो व्यूज है मेरा ये कितना है आपको हम दिखाने वाले हैं। 7 दिन का व्यूज अभी चेक कर सकते हैं, यानी कि 936 व्यूज 28 दिन के अंदर में आपको दिखाते हैं, 28 दिन के अंदर यानी कि 5407 व्यूज। अब हम आपको 90 दिन का व्यूज दिखाने वाले हैं, 1300 यानी कि 13117 व्यूज। अब 365 डे का यानी कि एक साल का आपको व्यूज दिखाने वाले हैं, यानी कि 227079 आपका व्यूज यानी कि टोटल आया है। अब 23 में दिखाते हैं कि 23 में आपका कितना व्यूज है, यानी कि 217908 व्यूज आपका आया, और टोटल यानी कि 24 में आपको दिखाते हैं 2024 में कितना व्यूज आया, 35327 व्यूज आपका आया। और लेवरी यानी कि टोटल व्यूज आपको दिखाने वाले हैं 253235 व्यूज यानी कि टोटल व्यूज आया। तो देख सकते हैं दोस्त यहाँ पे व्यूज भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, और फिर से हम वॉच टाइम पर पहुंचे हुए हैं, और 365 जो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका रियल यानी कि ये जो होता है अपना वॉच टाइम चेक करने का तरीका, यही आपका वॉच टाइम चेक करने का तरीका होता है, यानी कि 2524 घंटा। अब यहाँ पे देख सकते हैं अंध बटन पर आकर के यानी कि 2203 घंटा यानी कि 3000 का जो वॉच टाइम खुलता है वो यहाँ पे देखा जाता है। अब आपको और कुछ दिखाने वाले हैं, तो चलते हैं हम यहाँ पे, अब नीचे में आपको दिखाते हैं, और यहाँ पे फिर से कॉन्टेक्ट पर आ गए हम, 365 डे 2524, और आपको हम दिखाते हैं एक चीज और नीचे में कॉन्टेक्ट, ये नीचे का आप सारा चीज कॉन्टेक्ट देख सकते हैं, और इधर में देख सकते हैं कि चैनल पर सब्सक्राइबर कितने हैं, 2167 यानी 2168 आपके चैनल पर सब्सक्राइबर हैं। तो आप इसी तरीका से
आप लोग क्या करते हैं कि वॉच टाइम को चेक कर सकते हैं, जिस तरीका से भी आप लोग को हम बताएं। यहाँ पे आना है, रियल टाइम यहाँ पे चेक करना है, सब्सक्राइबर यहाँ पे चेक करना है। सब्सक्राइबर देखिए 7 दिन के अंदर में कितना आया, आपको दिखाते हैं सब्सक्राइबर, यानी कि 7 दिन के अंदर में सब्सक्राइबर आपके पास कितना आया ये भी आपको दिखाते हैं, यानी कि 6 को सब्सक्राइबर, यानी कि 7 दिन के अंदर में 28 दिन के अंदर में आपके पास कितना आया 24 सब्सक्राइबर, 90 दिन के अंदर में आपको दिखाते हैं 90 दिन में 105 सब्सक्राइबर, 365 डे में यानी कि 365 डे में 1450 सब्सक्राइबर। अब आपको दिखाते हैं 2023 में कितना सब्सक्राइबर, 1842 सब्सक्राइबर। अब 2024 में आपको दिखाने वाले हैं यानी कि 326 सब्सक्राइबर। टोटल सब्सक्राइबर आपका लाइब्रेरी में आपको दिखाया जाता है 2168 सब्सक्राइबर यहाँ पे कंप्लीट है, यानी कि टोटल सब्सक्राइबर है। तो आप देख सकते हैं इसी तरीका से आप वॉच टाइम भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं और अर्न बटन पर, और यहाँ पे 4000 घंटा के भी वॉच टाइम आप नीचे में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, आपको सारा चीज़ हम जानकारी दे दिए कि सारा चीज़ यहाँ पे चेक किया जाता है। और आपको दिखाते हैं एक चीज़ और, यानी कि टोटल वॉच टाइम आपको यहाँ पे, यानी कि वॉच टाइम हाउस पे यहाँ पे चेक किया जाता है 365 डे, यानी कि 2524 घंटा यहाँ पे आपका कंटिन्यू बताएगा। अब आगे के दिखाते हैं कुछ और, इधर में दिखाते हैं एक बार क्लिक करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्सक्राइबर यहाँ चेक कर सकते हैं, व्यूज यहाँ से चेक कर सकते हैं, वॉच टाइम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और नीचे में आपका ये टोटल जो वीडियो का जो व्यूज आएगा वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीका से आप लोग को चेक करते रहना है कि मेरा वॉच टाइम कितना कम्प्लीट हुआ, व्यूज कितना हुआ, और सारा चीज आप गेन करके चेक कर सकते हैं। और चेक करके आप लोग मैंने आप अपने चैनल को चेक करके आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया अच्छा खासा आपका मैंने व्यूज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्त, कि देखिए आप कभी भी इस चैनल पर, अगर चैनल पर लोग काम कर रहे होंगे YouTube प्लेटफॉर्म पर, तो आपको सही तरीका वॉच टाइम चेक करने का यही है जो हमने आपको बताया। तो इसी पर आपको वॉच टाइम जरूर से जरूर चेक करना है, और व्यूज भी चेक करना है, सब्सक्राइबर भी चेक करना है, हर एक डे का मैंने चेक करना है, यानी कि 7 दिन में कितना आया, 365 दिन में कितना आया, 90 दिन में कितना आया, ये सारा चीज व्यूज के साथ, सब्सक्राइबर के साथ, प्लस में वॉच टाइम के साथ आप चेक कर सकते हैं इसी तरीका से। तो आप लोग कभी भी मोटिवेट होकर के YouTube छोड़ करके नहीं भागना है, आपको काम करते रहना है और आगे की ओर बढ़ते रहना है। क्योंकि देखिए इस चैनल पर बताने का मेरा मकसद क्या है कि 2023 से लेकर के 2024 तक जितने भी लोग काम करते हैं ना, तो मोटिवेट होकर के YouTube छोड़ते हैं कि नहीं मेरा वॉच टाइम नहीं पूरता है, तो वॉच टाइम आपका बढ़ जाता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इतना तो हम बता दिए। अब तब तक से हम वीडियो को समाप्त करते हैं, जो भी लोग हमारे वीडियो को देखेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इतना ही करके हम वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।